ग्लोबल इंडिया टीवी की टीम द्वारा जनपद पंचायत मनावट की 64 ग्राम पंचायतों में जीरो ग्राउंड पर जाकर पिछले 10 वर्षों के विकास व किए गए भ्रष्टाचार एवं जनता की समस्या की आवाज बढ़ी है। ग्राम पंचायत वायल जनपद पंचायत मनावट में 10 वर्षों के बाद भी अवैध राशि 6,35,547 वसूली नहीं करना शासन के अधिकारियों के संदेह के घेरे में है। मनावट ग्राम पंचायत वायल जनपद पंचायत मानव जिलाधार द्वारा पंचायत सरपंच राधेश्याम मुवेल भ्रष्ट सरपंच व उनके पुत्र बहुओं द्वारा स्वयं के नीचे खातों में लाखों रुपए फर्जी तरीके से जमा किए गए थे, जिसकी जांच जनपद पंचायत मनावर जिला पंचायत धार पिछले 10 वर्षों के कारण बताओ नोटिस के साथ सवाल जवाब चलते रहे। पंचायत धार के आदेश क्रमांक 427 पारित किया, जिसमें सरपंच द्वारा स्वयं के पुत्र व बहुओं के नाम से अहरित राशि 1,92,292 वसूली योग्य थी। सरपंच राधेश्याम मुवेल द्वारा पंचायत के नाम से नलजल की राशि स्वयं के पास 1,32,055 रुपये जमा किए थे। आदेश में वसूली टोटल राशि 3,55,000 आज दिनांक तक जमा पंचायत में नहीं किए गए। उसके बाद भी वर्तमान पंचायत चुनाव में अपने पुत्र को पंच व बहू को सरपंच पद के लिए नामांकन दाखिल किया, जिसके चुनावी आयोग और विपक्ष प्रत्याशियों ने आपत्ति भी पेश की थी। निर्वाचन एवं जिला पंचायत धार इस मामले को संज्ञान में लेंगे। वर्ष 2013-14 में सीसी रोड निर्माण में सरपंच सचिव द्वारा एक रोड को दोबारा राशि निकालने का जांच प्रतिवेदन जनपद द्वारा दिनांक 10/7/2020 को जिला जनपद धार को भेजा गया, जिसके पूर्व राधेश्याम सरपंच सचिव मथुरालाल पाटीदार के द्वारा 3,30,000 मूल्यांकन से अधिक व दोबारा निकाली गई, जबकि रोड एक ही बार बना है। स्वीकृत राशि गंगाराम के मकान से चौकीदार के मकान तक 5,00,000 थी। मूल्यांकन राशि 3,45,000 अतिरिक्त राशि 3,30,000 निकाली गई। दोनों आदेश व प्रतिवेदन के आधार पर टोटल राशि 6,35,547 रुपये का भ्रष्टाचार गमन पंचायत राज अधिनियम धारा 92 के तहत वसूले योग्य था। पूर्व सरपंच राधेश्याम मुवेल को 7 साल के लिए पंचायत चुनाव में निहित किया गया। सरपंच का संपूर्ण परिवार पुत्र बहू के स्वयं के खातों में राशि आहरण कर शासन प्रकाशन को क्षति पहुंचाई है। पूरा परिवार पंचायत की राशि के दलदल में डूबा है, जिसका खुलासा ग्लोबल इंडिया टीवी पर सच के साथ दिखाया जाएगा। मनावर से दिनेश पटेल की रिपोर्ट।